हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे आपके जो सोशल जस्टिस एंड मार्जिनाइज्ड है, तो उसका जो चाइल्ड लेबर वाला जो सेक्शन है, यानी हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी हम बुराइयाँ की बात करें सो वो है आपका चाइल्ड लेबर, यानी जो बच्चों से जो काम लिया जाता है, अंडर जो 14 एज वाले जो बच्चे होते हैं उनसे काम लेना हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया है। बट हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी में कई ऐसे जो फैमिलीज हैं जिनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको अपने बच्चों को काम करवाना पड़ता है। सो वही जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर का आपका लास्ट वीडियो है, तो मेरे साथ आप बने रहिए। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो हम चाइल्ड लेबर की बात करें, सो वन ऑफ द सैडेस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी इज इंडिया इन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड, फैमिलीज आर ऑफ्टन फोर्स टू वर्क एज मनी दे ब्रिंग टू हेल्प द फैमिली सर्वाइव। यानी जो आपके जो पॉवर्टी है इंडिया में, आप जो देखोगे तो चाइल्ड लेबर का एक मेन जो रीज़न है, और जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास के जो फैमिली है वो अपने बच्चे को मजबूरी में ही सही, वो अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, बेहतर अर्निंग करने के लिए बच्चों को भी काम में भेज देते हैं। सो देयर आर बिलीव टू बी मोर देन 50 मिलियन चाइल्ड लेबर्स अंडर द एज ऑफ 14 इन इंडिया। मोर देन 50% ऑफ देम वर्क 16 आवर्स अ डे 7 डे अ वीक फॉर अ मेयरली अमाउंट ऑफ ₹10 पर डेज। सो यहाँ पर कहा गया कि एक जो डाटा बताया गया कि इसमें आप देखोगे तो 15 मिलियन जो लगभग जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के रूप में वर्क करते हैं, जिनका एज है अंडर 14 है। देन उसमें से मोर देन जो 50% जो है वो 16 आवर्स एक दिन में और पूरे हफ्ते भर वो वर्क करते हैं, और उसको उसके एवज में ₹10 या फिर उससे कहीं ज़्यादा आप जो देखोगे तो ₹20 ₹23 ₹20-30-50 तक उनको मिलता है। और हम जो देखते हैं वो कहाँ पर, चाय के जो ठेले हैं, किसी होटल्स हैं, कोई फैक्ट्रीज हैं, कोई गैराज है, वहाँ पर वो काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये जो फायर वर्क, जो मेकिंग वाले, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है वहाँ पर वो वर्क करते हैं, और उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही अपेलिंग, जो कंडीशन होता है ख़राब कंडीशन होता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। आप लोग बहुत सारे जो टीवीज़ में, सीरियल्स में, मूवीज़ में ये आपके चाइल्ड लेबर के बारे में आपने देखा होगा, कई ऐसे जो चाइल्ड लेबर्स हैं आजकल वो आपको भीख मांगते हुए भी बेगर्स के रूप में भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटी है उसकी जो बहुत बड़ी बुराइयां हैं, जो जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जिनको घरों में रहना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, वो आपके वर्क करने जाते हैं या फिर भीख मांगते हुए आपको नज़र आते हैं। और इसका मेन जो रीज़न है कि उनकी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है उतना बेहतर नहीं होता है, साथ ही साथ उनकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत ही लोअर होता है, लोअर ग्रेड, वो इलिटरेट होते हैं, जिस कारण से इस तरीके से उनको वर्क करना पड़ता है। सो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखें आपका, अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी जो स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड है वो सभी के लिए इक्वली नहीं है। जो आपके जो सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास के जो पीपल्स हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। दोज ऑफ यू हु लिव इन एनी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सिटीज वुड हैव सीन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल, ग्लैमिंग बिल्डिंग्स एंड ऑफ ग्लास एंड स्टील्स। यानी आप जो देखोगे तो बड़े बड़े शहरों के जो है बिग सिटीज में रहते हैं, तो वहाँ के जो आप हॉस्पिटल्स को देखते होंगे, वहाँ के जो बिल्डिंग्स इतने बड़े होते हैं, स्पेशल ग्लास कवर्ड होता है, वहाँ पर आप जाओगे हॉस्पिटल में तो एसीज रूम होते हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स होते हैं। सो वहाँ की फैसिलिटीज़ हैं उसको आप देखिए, और वहाँ का फीस भी देखिएगा। देन मेडिकल टूरिज्म, दैट इज द कमिंग ऑफ फॉरेनर टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, हैज़ बिकम अ मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंडियन
गवर्नमेंट। मेडिकल टूरिस्ट, टूरिज्म हम जानते हैं कि कहीं पर कोई घूमने जाते हैं तो उसको हम टूरिज्म कहते हैं, बट मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा जो टर्म्स है जहां पर जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया में क्या करवाने आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और वो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी जो पैसा है वो एक्सचेंज करवाते हैं इंडिया में। सो उससे जो विदेशी जो पैसे की जो इनकम है वो इंडियन गवर्नमेंट्स को होता है, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी होता है। सो सेवरल न्यू हॉस्पिटल्स विद द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड अप टू डेट इक्विपमेंट एंड वेल ट्रेंड डॉक्टर एंड द नर्सेज हैव इमर्ज टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ग्रोइंग स्ट्रीम ऑफ मेडिकल टूरिस्ट एंड द डॉलर्स दे पेज। यानी जो नए नए जो हॉस्पिटल्स हैं वो इस टाइप के मेडिकल टूरिज्म से रिलेटेड और बढ़ते जा रहे हैं, और डॉक्टर्स ना आपको जो वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स, हाई क्लास जो इक्विपमेंट्स है वो मिलेंगे, और जो ये जो बाहर से जो आने वाले हैं जो वो क्या करते हैं, जो डॉलर में पे करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा पैसा खर्च करने के लिए वो तैयार होते हैं, क्योंकि वो जो इतने दूर से वो अपना इलाज करवाने आते हैं और वो चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। सो हेल्थ केयर विच यूज टू बी अ सर्विस इंडस्ट्री हैज़ नाउ बिकम अ प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्रीज। यानी आप जो देखोगे तो आपको ये जो हेल्थ केयर है वो कहीं ना कहीं एक सर्विस इंडस्ट्रीज है, और अभी के दौर में देखोगे तो जो मेडिकल जो लाइन है वहाँ पर बहुत पैसा है, और जो डिफरेंट जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर आप पैसे का जो खेल है वो मेन हो गया। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो आपका इलाज पहले नहीं होगा, पहले आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप पूरे अमाउंट्स में फीस नहीं पे कर पाते हैं तो आपको इलाज भी नहीं किया जाता है। कई बार तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अगर इलाज में किसी का डेथ हो गया तो उसके बॉडीज को आपको लेना है, तो भी आप जब तक फीस पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसकी बॉडी नहीं दिया जाएगा। आप कितना लाखों रुपए वहां पर पेड कर दिया, बस आपको कुछ 1000 रुपीज भी बाकी है तब भी आप उसको पे करोगे, तभी आपको वो बॉडी दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ हो गई है। सो बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया। अब ये तो हमने सिटीज की बात किया है, वहां पर हमने देखा, अब जो अदर पार्ट्स की बात करें, सो द 85% हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर देयर ट्रीटमेंट, देयर इज एन इंक्रीजिंग रिलेशंस अमंग डॉक्टर्स टू सर्व इन रूरल एरियाज। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेंटर PHCS इन द रूरल एरिया डू नॉट हैव डॉक्टर और नर्सेस। यानी अब जो ऐसे सिचुएशंस हमारे यहाँ रूरल एरियाज में बन गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ओपन कर लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं, और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर कोई जो डॉक्टर्स मिलना, नर्सेज मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इंडिया की बात किया जाए यहाँ पर तो इंडिया स्पेंड लेस देन ₹640 पर कैपिटा ऑन हेल्थ। यानी आप जो देखोगे तो इंडिया में साल में जो खर्चा है एक व्यक्ति पर, वो आप देखोगे तो गवर्नमेंट है वो स्पेंड करता है ₹640 मात्र। और अदर कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो चाइना जो है 13,800 करता है, यूनाइटेड किंगडम जो है 1,20,000 करता है, देन आपके यूएसए है वो स्पेंड करता है लगभग 3 लाख के आसपास पर कैपिटा जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इंडिया में आप देखोगे तो वो क्या है आपका बहुत ही लो है। मोस्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स आर स्ट्रैप्ड फॉर फंड। यानी जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप देखोगे तो वो बहुत ही अपेलिंग कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन में है। यहाँ पर आप जाओ हॉस्पिटल जाओगे तो आपको बेड्स नहीं मिलते हैं, बेड्स है तो डॉक्टर नर्सेज नहीं है, नर्सेज डॉक्टर्स है तो आपकी दवाइयाँ नहीं है, मेडिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं है। कई जगह आपको ऐसा देखने को मिलता है कि आपके जो नंबर ऑफ एडिक्वेट जो डॉक्टर्स हैं नर्सेज है वो नहीं है, और थाउजेंड्स ऐसे जो पेशेंट आते हैं, इतना जो क्राउडेड हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ लग जाता है हॉस्पिटल्स में कि वहाँ पर जो बेड्स है वो कम पड़ जाता है, लोग जो है ऐसे ज़मीन पर लेटे रहते हैं, दवाई नहीं है, वो तो बाहर से मेडिकल से हाई अमाउंट्स में वो दवाई खरीद के लाते हैं। सो देयर आर नॉट इनफ बेड्स फॉर पेशेंट्स टू लाई ऑन, ऑपरेशन थिएटर ऑल इलक्युपाइड, इलेक्ट्रिसिटी इज इरेक्टिक एंड देयर आर नो जनरेटर्स।
यानी आपके जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पर सही से आपके जो देखोगे तो इक्विपमेंट नहीं, हथियार नहीं है, मशीनें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी चला जाता है। कभी कभी आपको न्यूज में आपको सुनने को मिलता है कि कहीं पर जो ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन के बीच में ही वहां पर जो लाइट चला गया, ऑपरेशन थिएटर में लाइट की कमी के कारण से जो मरीज का डेथ हो जाता है। आपको कई जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुनने को मिलता है कि ये इक्विपमेंट ऑक्सीजन जो है सप्लाई सिस्टम है वो खराब हो गया तो बहुत सारे जो है पेशेंट्स की डेथ हो गया। आपको कहीं कहीं पर सुनने को मिला अभी गवर्नमेंट ऑफ करेंट जो न्यूज़ आया था 2 और 3 मंथ्स पहले की, एक जो बच्चों का सेक्शन था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पर आग लग गया जिससे 10-15 जो बच्चे गए हैं, छोटे छोटे जो बच्चे थे उनका जो डेथ हो गया। तो ऐसी स्थिति हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो गई है। और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे जो सीरियल्स हैं मूवीज हैं वो देखने को मिल जाएगा जहाँ पर ये जो वास्तविक जो स्थिति है उसको दिखाया जाता है। अब हम जो देखें कि इन सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बिहार का दिया हुआ है, ये बस बिहार के केस नहीं, आपको डिफरेंट और जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेट्स में आपको इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी। डॉक्टर्स हैव बीन नॉन टू डू इमरजेंसी ऑपरेशंस विथ लाइट प्रोवाइडेड बाय हैंड हेल्ड टॉर्च, मेडिकल फैसिलिटीज आर टू लिमिटेड इन नंबर्स एंड टू पावर फॉर मैनी ऑफ इंडियंस रूरल पुअर। यदि आपके जो हाथों के द्वारा जो टॉर्च से हॉस्पिटल में इलाज करते हुए जो दिखाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, इंडियन जो रूरल हॉस्पिटल है वहाँ की स्थिति आपको बहुत ही ख़राब है। मैंने 2 दिन पहले ही एक ऐसा जो एम्बुलेंस दिया जहाँ पर हॉस्पिटल आपके जो हॉस्पिटल से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आए और जब मरीज के यहाँ आए तो वहाँ पर रुके, गाड़ी को बंद किया तो उसको स्टार्ट करने के लिए धक्का लगाना पड़ा। तो आप जो है आप हमारे सिस्टम को देख सकते हैं कि एम्बे के एम्बुलेंस है जिसको प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए, उसकी सी ऐसी हो गई है कि उसको धक्का लगाकर स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति हमारी हेल्थ सिस्टम की हो गई कि वो जो है धक्का लगाने से ही चल रहा है। सो थाउजेंड्स डाइज ईच डे ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली मेडिकल अटेंशन, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कंटिन्यूज टू इवैड द मार्जिलाइज पीपल ऑफ इंडिया इवन 65 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर हम बात करें तो 75 या 70 ईयर्स से अब हो गया है आपको से हमारे कंट्री को आज़ाद हुए और अभी भी हमारी जो यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही पुअर है। यहाँ का जो लोगों का जो थिंकिंग लेवल है वो अभी तक चेंज नहीं हो पाया है, उनका माइंडसेट अभी भी जो पुअर क्लास, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो क्लास है, जो लोअर कास्ट वाले जो पीपल्स हैं उनके प्रति अभी तक हमारा सोच है वो चेंज नहीं हो पाया। यहाँ पर आपको एक जो फैसिलिटी, आपका जो चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया कि एक जो बच्ची है वो काम कर रही है कहाँ पर, आपको जो साइड में आपका जो रोड साइड जो ठेलर्स होते हैं वहाँ पर, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा कि जो राइस इंडस्ट्रीज है, राइस जो आपके जो उद्योग होते हैं वहाँ पर, राइस मिल होते हैं वहाँ पर एक जो बच्चा काम करने जाता है और उसकी स्थिति ऐसी होती है तो उनको उतने समय तक काम करने पर 20 रुपीज़ ही दिया जाता है जहाँ पर बॉयलर जैसे गर्म गर्म हवा आती है। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि हमारी सोसाइटी इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर अभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ये आपका जो कंप्लीट है, यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई डाउट्स है कोई सजेशन करना है तो, और अगर आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।